हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 5 o'clock और हम लोग निकले हैं कबनी एक्सप्लोर करने के लिए। ये वन डे ट्रिप है, मतलब सुबह जाना है और हम लोगों को रात तक रिटर्न होना है। तो सुपर एक्साइटेड हूँ थोड़ी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद फिर हम लोग कहीं निकलने घूमने के लिए जा रहे हैं। अभी बैंगलोर में बारिश बहुत हो रही है, तो पता नहीं वहाँ का वेदर का सिचुएशन क्या है। चलिए फिर वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि आज हम लोग क्या एक्सप्लोर करते हैं और आपको क्या दिखा पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हो गया है, हम लोगों ने अभी तक टी लिया है और मैसूर क्रॉस करने वाले हैं। ये आपको जाने वाली जो रूट है कंपनी के, बहुत सारे आपको ऐसे वाटर स्पॉट्स मिलेंगे देखने को, बहुत सारे लेक मिलेंगे आपको देखने को। अभी रेनी सीजन है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है व्यूज़, वेदर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। कबनी बेसिकली उन लोगों के लिए जो नेचर लवर हैं और एनिमल्स लवर हैं, तो मे बी शायद मुझे भी पसंद आए, क्योंकि मुझे भी नेचर देखना बहुत पसंद है, वहाँ रहना बहुत पसंद है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं ताकि हम लोग कुछ खा सकें, क्योंकि पेट में बहुत तेज़ी से चूहे कूद रहे हैं। तो हमें एक रेस्टोरेंट दिख रहा है आगे, हम लोग वहाँ रुकेंगे और फिर कुछ खा के आगे निकलेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि अभी 7 मिनट बचा हुआ है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं कबनी। हम लोगों ने टारगेट टाइम भी मॉर्निंग 11 o'clock ही लिया था पहुंचने का। फिलहाल ये एंट्री गेट है और हम लोग यहाँ से अंदर एंटर कर रहे हैं। एंट्री के टाइम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मुझे टिकट काउंटर दिख रहा है, तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, बट टिकट काउंटर फिलहाल क्लोज है। ये 2 बजे ओपन होगा, तो अभी 11 बज रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एलिफेंट कैंप देख लिया जाए, जो यहाँ से ही सीधा आधा घंटा की दूरी पर है। 30 मिनट आपको लगेगा एलिफेंट कैंप पहुंचने में यहाँ से। तो फिलहाल हम लोग अभी एलिफेंट कैंप के लिए निकले हैं, चलिए देखते हैं वहाँ एलिफेंट मिलता है या नहीं। एलिफेंट कैंप जाने वाले रूट में आपको एक चेक पोस्ट पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपने नेम एड्रेस वगैरह लिखने होंगे। तो हम लोग लिख पढ़ कर आ गए हैं अंदर और यही एलिफेंट कैंप है। यहाँ पे कोई हाथी नहीं दिख रहा हम लोगों को फिलहाल, कुत्ते और बकरियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं मोटू सेट है भी या नहीं। तो अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, फिर गाड़ी पार्क करके अंदर जाएंगे। ये लो, देख लो भाई साहब को, मतलब फुल बिजी हैं अपने मेकअप चेकअप करने में। मैं बैंगलोर से कबनी सिर्फ इनको देखने आई हूँ और ये देखो कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। तो छोड़िए मोटू सेट को, फिलहाल चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कबनी में जो एलिफेंट कैंप है वो बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ आ सकते हो, एलिफेंट सफारी कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोग को सिर्फ एक ही एलिफेंट यहाँ दिख रहा है, वो भी बिजी है। तो आप आओ, शायद उस टाइम वो फ्री रहें और आप आराम से उनका सफारी कर सकते हो, आसपास घूम सकते हो। 1 घंटा ये लोग हाथी पे बैठा के आपको घुमाएंगे। तो मैं फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं नहीं जा रही बिकॉज ऑफ द धूप। तो धूप होने के कारण मैं नहीं जा रही हूँ यहाँ घूमने के लिए, बेसिकली मैं यहाँ जंगल सफारी करने आई हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं और जंगल सफारी के लिए टिकट लेते हैं। तो फिलहाल मेरी बेटी को एलिफेंट क्लोज से देखना है, तो हम लोग अभी उसको वहाँ दिखाने ले जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे टिकट काउंटर पर। एलिफेंट कैंप देखने के बाद हम लोग फिर से आ गए टिकट काउंटर पर। यहाँ से ही हमें जंगल सफारी के लिए टिकट मिलेगा, बट फिलहाल ये अभी भी क्लोज है, 2 बजे ये ओपन होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं और इतनी दूर आने के बाद अगर टिकट ना मिले विदाउट सफारी किए जाऊँ तो बहुत अफसोस होगा। तो अभी हम लोग यहाँ वेट करेंगे। आपके लिए यहाँ एक टिप्स है कि आप अपने साथ कैश ज़रूर लेके आना, यहाँ पर पेटीएम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ये लोग कैश ही लेते हैं। तो आसपास कोई एटीएम भी नहीं है, तो आप अपने साथ कैश ज़रूर रखना। थोड़ा आगे जाने पर आपको एक एटीएम मिल सकता है। तो फाइनली हम लोगों को टिकट मिल गया है सफारी के लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। पर पर्सन टिकट चार्ज 460 रुपीज़ है यहाँ पर। बिलो 5 ईयर्स बच्चे के लिए कोई भी टिकट चार्ज नहीं है। टिकट आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके लिए आपको 2 दिन पहले टिकट बुक करना पड़ेगा अगर आप जंगल सफारी करना चाहते हो तो। ऑफलाइन टिकट के लिए आपको यहाँ पर मॉर्निंग 6 o'clock और आफ्टरनून में 2 बजे काउंटर खुलता है, तो तभी आपको टिकट मिल सकता है। तो हम लोग अभी आफ्टरनून में आए बिकॉज मॉर्निंग पॉसिबल नहीं था हम लोगों के लिए। तो 2 बजे का जो टिकट था उसमें हम लोगों को टिकट मिला है और हम लोगों का जो सफारी है वो स्टार्ट होगा 3 o'clock। तो 1 से 1.5 घंटे की सफारी है,
चलिए देखते हैं हम लोगों का लक है या नहीं एनिमल्स देखने का, फिर आपको दिखाते हैं जंगल सफारी। सफारी के लिए हम लोग बस में आ चुके हैं, बस में अच्छा खासा क्राउड है, पूरा बस ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो अंदर आपको बस में बोलना अलाउ नहीं है, अगर आपको एनिमल्स दिखे तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। तो हम लोग अब जा रहे हैं जंगल के अंदर एनिमल्स देखने के लिए, हम लोग भी इंजॉय करते हैं और आप भी हमारा वीडियो देखो और इंजॉय करो। मेरी लाइफ का ये पहला जंगल सफारी है, मुझे बहुत ज़्यादा सफारीज में इंटरेस्ट नहीं है, सो इसलिए भी शायद मैंने कभी सफारी ट्राई नहीं किया, बट इंटरेस्टिंग है सफारी, आप कर सकते हो। यहाँ पर हम लोगों को दो जंगली घोड़े दिख रहे हैं जो बहुत ही दूर है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, मे बी शायद आप लोगों को दिख पाए। ये लोग बहुत ज़्यादा देर तक बस नहीं रोकते हैं, थोड़ी देर के लिए बस स्टॉप करते हैं या फिर स्लो चलाते हैं ताकि आप लोगों को एनिमल्स दिख पाए, बट जब तक हम लोग देखने की कोशिश करते हैं दिखता है तब तक बस इनकी निकल पड़ती है। तो हम लोगों को अभी तक जंगली बंदर, घोड़े, हिरन और मोर दिखा, मोर भी ऐसा जिसके पंख नहीं थे, तो समझ नहीं आया वो मोर था भी या नहीं। और फिलहाल ये लोग बस रोक के या फिर थोड़ी देर स्लो चलाकर ये लोग टाइगर सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक हम लोगों को टाइगर नहीं मिला है। जिस तरीके से हम लोग डियर देख रहे हैं और वो भी विदाउट फियर घूम रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग डियर पार्क में घूम रहे हैं बस में बैठ के। तो खबरी आने के पीछे बेसिक रीज़न हमारी बेटी है, मैडम को क्लोज से एनिमल्स देखने थे, बट मैडम को तो गाड़ी में सोना होता है, तो वो सो रही है और उसके पेरेंट्स बैठ के यहाँ पे एनिमल सर्च कर रहे हैं ताकि उसकी फेरी टेल स्टोरी में एनिमल्स स्टोरी सुनाया जा सके। तो यहाँ पर एक जंगली डॉग दिख रहा है, एक घंटा हम लोग का हो चुका है सफारी का, अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, 4:30 तक हम लोगों को ये लोग बाहर छोड़ेंगे। तो जंगल में टाइगर तो नहीं दिखा, बट जंगल में हम लोगों को बारिश के मज़े ज़रूर देने को मिल गए, काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़, इवन हम लोग पूरी तरीके से भींग गए हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, बट थोड़ा सा अफसोस है कि हम लोगों को टाइगर नहीं दिखा। तो चलिए अब कुछ कर नहीं सकते, हम लोग अब रिटर्न हो रहे हैं, तो हो सकता है शायद आप आओ तो आपको दिख जाए टाइगर, तब तक हम लोग बारिश के मज़े लेते हैं और आप वीडियो के मज़े लो। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा जंगल सफारी। फ़िलहाल अब हम लोग जंगल सफारी से निकल चुके हैं और अभी भी बारिश हो रही है, तो हम लोगों का मेन मोटिव जो था यहाँ कबनी आने का, जंगल सफारी और बारिश के मज़े लेना, तो हम लोगों ने दोनों ही ले लिया, काफ़ी अच्छा रहा, बट टाइगर नहीं दिखा, सो बहुत अफसोस है, तो उसको हम लोग जू में जाके देख लेंगे, कोई नहीं। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल पड़े हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, मे बी कुछ और दिख जाए आगे, फिर उसके बाद हम लोग बैंगलोर के लिए निकलेंगे। तो रिवर सफारी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद हम लोगों के लिए, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप लोग यहाँ ऑनलाइन बुकिंग कर कर आओ, ताकि आप जंगल सफारी और रिवर सफारी दोनों के ऑप्शन जो भी यहाँ पे हैं उन दोनों के मज़े ले सको। तो अगर आप जंगल सफारी का बुकिंग करते हो तो रिवर सफारी भी आराम से जाकर घूम सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग और क्या देख पाते हैं आज। ये है कबनी डैम, बट ये पब्लिक के लिए क्लोज है, पब्लिक को अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो फिलहाल अभी ऑलमोस्ट 5:15 हो रहा है, तो हम लोग अंदर जा नहीं सकते, तो मैं सिर्फ आपको बाहर से इसका व्यू दिखा रही हूँ। फिलहाल यहाँ इंक्वायरी करने पर पता चला कि आगे एक वाटर स्पॉट है, आप वहाँ जाकर डैम को बाहर से देख सकते हो, तो फिलहाल अब हम लोग वहीं चल रहे हैं, चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो ये रहा वो जगह जहाँ से आप बाहर से खड़े होकर डैम को देख सकते हो, ये बीच में रोड है और आपको दोनों साइडेड वाटर देखने को मिलेगा डैम का, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ भी, आप यहाँ आ सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड आराम से कर सकते हो। फिलहाल बहुत शाम हो चुका है तो थोड़ा डार्क शेड आ रहा है, रेनिंग भी हो रही है हल्की फुल्की, तो हम लोग थोड़ा देर यहाँ रुकेंगे फिर निकलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल रहा हमारा आज का ये दिन। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।